Bismillah ar-Rahman ar-Raheem, Assalamu alaikum, dear students, I am Samreen Kazmi, lecturer in chemistry from Government Nazareth Girls Degree College, Hyderabad. The topic which we are going to learn today is solutions from chapter number 7 of class first year chemistry. Students of BSc part 2 can also learn basic points from this lecture because solution is one of the important chapter of physical chemistry of class BSc part 2 also and it is very important to clear the basic concepts before learning advanced form of any topic so let's start from the definition of solution it is defined as a homogeneous mixture of two or more substances in a single physical state here single physical state means a solution is always exist in one state only it may be a solid state or a liquid state or a gaseous state but it must be only one state a homogeneous mixture means a homogeneous mixture means a mixture which has only one form or a same form to understand the term solution it is important to clear the concept of homogeneous and heterogeneous mixture as both are the types of mixture and we know that Mixture is the combination of two or more than two components which are physically combined together. They are not chemically combined together and do not form any chemical bond. If they will combine chemically, they will be called as a compound. Dear students, it is very important that we can identify which one is the heterogeneous mixture and which one is a homogeneous mixture. ताकि हम पहचान सकें कि कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट फ्रूट्स की अगर हम इन सब को कलेक्ट करके एक बोल में डाल दें तो क्या हम इन सब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं येस वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन सेपरेट दैम ईजिली लेकिन अगर इन्हीं फ्रूट्स को हम एक साथ मिला कर ग्राइंड कर लें और इनका शेक बना लें या जूस बना लें तो क्या हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं नो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैम इवन वी कैन नॉट सेपरेट दैम तो ये ही डिफरेंस uh, है एक हाइड्रोजीनस मिक्सचर में और एक होमोजीनस मिक्सचर में हाइड्रोजीनियस मिक्सचर इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज डेट कीप देयर ओन आइडेंटिटीज़ जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं बोल में अगर हम इसको कट भी कर दें इसकी अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रूट चाट बना लें फिर भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेपरेट भी कर सकते हैं तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजीनियस मिक्सचर और इसी को अगर हम ग्राइंड कर लेंगे और एक ही फॉर्म में लेकर आ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है और आई होप कि आप अब पहचान सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं है केमिकल टर्म्स में अगर हम इसको लें तो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर को आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइल एंड होमोजिनस मिक्सचर मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओके स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी विच वन इज सॉल्यूशन येस द ट्रू आंसर इज अ ग्लास ऑफ मिल्क वाइल एंड अनदर ग्लास आप देख सकते हैं कि देयर आर टू फेजेस हमें टू फेजेज नज़र आ रहे हैं एक सॉलिड है जो कि ब्लैक पार्टिकल्स हमें नजर आ रहे हैं तो ये मिक्सचर है लेकिन इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच इज़ हाइड्रोजीनियस वाइल द ग्लास ऑफ मिल्क इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच इज होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स सॉल्यूशन ओके स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी विच वन इज द सॉल्यूशन येस द राइट आंसर इज चॉकलेट सॉलिड्स भी सॉल्यूशन हो सकते हैं और गैसेस का भी सॉल्यूशन हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा लिक्विड की ही एग्जांपल लें सॉलिड लिक्विड गैसेस ये सब के सब जो हैं वो सॉल्यूशन की एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पर चॉकलेट इज़ अ राइट आंसर क्यों क्योंकि यहाँ पर जितने भी इस चॉकलेट के कंपोनेंट्स हैं वो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ना हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना ही हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाकी जो दूसरे दो कम एक ग्लास ऑफ वाटर और ऑयल है तो यहाँ पर हम इसको ईजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं तो आप आपको समझ में आ गया होगा नाउ मूव टूअर्ड्स पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट सॉल्यूट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन द सॉल्वेंट सॉल्यूट वो पार्ट है सॉल्यूशन का जो हमेशा कम अमाउंट में होता है और वो हिस्सा जो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में हो या सॉल्यूट से के मुकाबले में ज़्यादा अमाउंट में हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन uh, ये है कि वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उस सब्सटेंस को भी हम सॉल्वेंट कहते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट के अंदर हैं सोल्यूट पार्टिकल्स आर लेस इन नंबर वाल द सॉल्वेंट इज़ मोर इन नंबर और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये दोनों पार्ट्स मिला uh, मिलकर सॉल्यूशन बन जाते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इसकी सॉल्ट वाटर solution here सॉल्ट विल सर्व as अ solute एंड वाटर विल सर्व as अ solvent यहाँ पर एक और भी डेफिनेशन है सॉल्यूट की वो ये है कि सॉल्यूट हमेशा जब भी सॉल्वेंट के साथ मिलता है तो अपनी प्रीवियस स्टेट को चेंज करके सॉल्वेंट की स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है आप देख सकते हैं कि सॉलिड यहाँ पर सॉल्ट जो है वह सॉलिड इस्टेट में है तो जब यह वॉटर में हम इसको डिजॉल्व करते हैं तो ये किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है ये वाटर की स्टेट इख्तियार कर लेता है तो इट विल बिकम अ लिक्विड तो सॉल्यूट की डेफिनेशन ये भी है कि यह अपनी स्टेट को खोकर सॉल्वेंट की स्टेट को इख्तियार कर लेता है ओके आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू क्लास आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड सॉलवेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों सोल्यूशंस में से कौन सॉल्यूट है और कौन सॉलवेंट है द फर्स्ट वन इज सी वॉटर सी वाटर में कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉलवेंट होगा सॉल्वेंट तो बहुत इजी है पहचानने के लिए येस वाटर इज अ सॉल्वेंट और बाकी जितने भी मिनरल्स हैं और सॉल्ट्स हैं दे विल सर्व एज अ सॉल्यूट एक और बात कि जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ दो ही हों सॉल्वेंट तो हमेशा सिंगल होता है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में हो लेकिन सॉल्यूट जो है वो दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं इट कैन बी हंड्रेड ओके सेकेंड क्वेश्चन इज फिफ्टी फिफ्टी मिक्सचर ऑफ एंटी फ्रीज एंड वाटर स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा कि सोल्यूट वो है जो अमाउंट में कम हो और सॉल्वेंट वो है जो अमाउंट में ज़्यादा हो लेकिन अगर ऐसी हम एग्जाम्पल ले लें जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल क्वांटिटी में हो तो फिर हम जब उस स्टेज पे किसको सॉल्वेंट मानेंगे किसको सॉल्यूट मानेंगे तो डियर स्टूडेंट्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा हम उसको सॉल्यूट जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट लो होगा हम उसको सॉल्वेंट sol यह आपने पॉइंट याद रखना है कि जिस भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट या जिस भी केमिकल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इट विल सर्व एज अ सॉल्वेंट अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो एंटी फ्रीज एंड वाटर तो हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि एक एंटी फ्रीज का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोस्टली वन या मोर देन हंड्रेड होता है फॉर एग्जाम्पल वन और वन तो यहाँ पर जिस किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वाटर का तो वाटर विल एक्ट एज़ अ सॉलवेंट वैसे भी वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो मोस्टली सॉल्वेंट जो है वो हमेशा वाटर ही होता है लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता तो जहाँ पर कन्फ्यूजन हो आपने देखना है कि बॉलिंग पॉइंट किसका लो है तो फिर आपने उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि वैदर इट इज़ सॉलवेंट और नॉट थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास एयर की एयर की अगर हम परसेंटेज को देखें कि कौन कौन सी गैसेस हैं तो हमें पता है कि 78 एट परसेंट यहाँ पर नाइट्रोजन है तो 78 परसेंट नाइट्रोजन है तो इट विल सर्व एज अ सॉल्वेंट और बाकी जितने तो भी गैसेस हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, है तो दे विल सर्व एज अ सॉल्यूट कार्बोनेटेड वाटर फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स में हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बबल्स हैं तो जो गैस है ये विल इट विल सर्व एज अ सॉल्यूट वायल द वाटर विल सर्व एज अ सॉल्वेंट बहुत सारे मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं कि सॉल्यूशंस और हाइड्रोजीनस मिक्सचर में अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो सॉल्यूशंस हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं और जो दूसरे मिक्सचर्स होते हैं फॉर एग्जांपल सस्पेंशंस दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो ये हम सॉल्यूशन इनको नहीं कह सकते दे आर कॉल्ड सस्पेंशनस ओके okay. सॉल्यूशंस को हम अगेन डिवाइड करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को डिवाइड uh, कर सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन इफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मोर इन नंबर दे विल कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड इफ दे आर लेस इन नंबर मीन्स इफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लेस इट विल कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोनों ही सॉल्वेंट हमने इक्वल अमाउंट में लिया हुआ है लेकिन सॉल्यूट के जो अमाउंट है वो हमने चेंज की है अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड अ लॉट ऑफ सॉल्ट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट मीन्स इट इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन अ लॉट ऑफ सॉल्ट इट मीन्स इट इज़ कंसेंट्रेटेड तो कंसेंट्रेटेड का मतलब हमें ये समझ में आया कि जहाँ पे सॉल्वेंट्स को हमने नहीं देखना हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स को देखना है ओके अगेन वी कैन डिवाइड सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी इससे पहले हमने सॉल्यूशंस uh, को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जिसमें हमने डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड पढ़ा अब हम सॉल्यूशंस को अगेन डिवाइड कर रहे हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबलिटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस सैचुरेट सॉल्यूशन अन सॉल्यूशन एंड सुपर सैचरेट सॉल्यूशन डे स्टूडेंट्स या आप नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं

यही मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व ना हो थोड़ी कम अमाउंट डिजोल्व हुई हुई हो और उसमें गुंजाइश हो कि और सॉलिड पार्टिकल्स ऐड हो सकते हैं और उसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अन सॉल्यूशन और अगर सैचुरेट सॉल्यूशन में मैं हम उससे उसकी गुंजाइश से ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दें तो इट विल बी टर्म्ड एज अपर सैचुरेट सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स वी कैन अगेन डिवाइड सॉल्यूशंस इनटू नाइन टाइप्स on the basis of original state of solute in which sometimes gas will behave as a solute and sometimes it will behave as a solvent likewise liquids and solids will behave as a solute and sometimes it will behave as a solvent here in this table there are some common examples of solutions for example air in which gas will act as a solute and gas will act as a solvent for example oxygen in nitrogen Second example is soft drink, in which gas will act as a solute, which is carbon dioxide, and liquid will act as a solvent, which is water. Ice, in which solute is gas and solid is solvent. Humid air, antifreeze, tooth flings, syrup, alloys are the different examples of solutions in which there are different solutes and solvents. Concentration of a solution, it is a very important part of chapter number 7. We express different concentration terms to define a solution or to define the concentration of a solution. For example, percent composition by mass, parts per million or parts per billion, molarity, molality, normality, and sometimes formality. डेयर स्टूडेंट्स मोलारिटी और मुलालिटी के जो फॉर्मूलास में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि मोलारिटी को हम लिटर्स के टर्म्स में लेते हैं यानी कि वॉल्यूम लेते हैं तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन की टर्म्स यूज़ करते हैं जबकि मुलालिटी में हम लिटर्स uh, की बजाय यानी कि वॉल्यूम के बजाय मास लेते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर सॉलवेंट की टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे मोलैरिटी और मोलैलिटी का आप डिफरेंस देख सकते हैं डेफिनेशन लिख सकते हैं इसमें आप इसको किससे डिनोट किया जाता है कैपिटल एम और स्मॉल एम से वो लिख सकते हैं फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके अलावा आप इस डिफरेंस में ये लिख सकते हैं कि मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर वाइल मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मेकिंग वन मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हाउ वी कैन मेक दिस वी विल हैव टू Add 1 mole of sodium chloride, which is equal to 58.5 grams, and we will have to add a small amount of solvent to dissolve the salt. After dissolving the salt, add additional water up to the 1 liter mark. Now we have a question Dissolve 5 grams of nickel chloride hexahydrate in enough water. टू मेक टू फिफ्टी एम एल ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट दोलैरिटी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम हाँ, यहाँ पर सॉल्यूट के फाइव ग्राम्स दिए हुए हैं जबकि हमें मोलेरिटी के लिए मोल्स चाहिए होते हैं तो इस गिवन मास को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में हमें पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास मास हमें दिया हुआ है जो गिवन माज है फाइव ग्राम्स इसको हम डिवाइड करेंगे निकल क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट के मोलिकुलर माज से दैन वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल क्लोराइड दैन वी विल डिवाइड इंटू दीटर्स ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम 250 फिफ्टी एम दिया हुआ है जबकि हम वॉल्यूम जो लेते हैं वन लीटर के लेते हैं जो कि 1000 थाउजेंड के बराबर होता है तो हम यहाँ पर 250 फिफ्टी को डिवाइड करेंगे 1000 थाउजेंड से ताकर हम मिली लीटर्स को कन्वर्ट कर सकें वन लीटर सोल्यूशन में वी विल गेट द आंसर जनरल इक्वेशन फ़ॉर परसेंट सॉल्यूशंस परसेंट सॉल्यूशंस में हम लेते हैं तीन तरह के हमारे पास टाइप्स होते हैं मास वेट एंड वेट वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन सब का जो एक जनरल फॉर्मूला है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको माज में लें यानी कि माज बाय माज लें तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में और अगर हम वॉलीम में लेंगे तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो milliliters me this is homework for you define the following words solute solvent solution provide an example of each now i have some mcqs for you question number 1 a solution is blank of two or more components homogeneous mixture single phase mixture both of the above no any Question number 2 the substance which present in a smaller quantity in a homogeneous mixture is called solvent solute electrolyte Question number 3 the substance present in larger quantity in a homogeneous mixture is called solvent solute or electrolyte concentration is expressed in physical units chemical units or both of the above Question number 5 10% aqueous solution of sodium chloride contains how many number of moles of water? 90 grams. How many mass of water? 90 grams or 100 grams, 110 grams or no any? The number of moles of solute dissolved in 1 cubic decimeter or 1 liter of solution is called molarity or molality or normality. None of the above. Question number 7 the number of moles of solute dissolved per kilogram of solvent is called molarity molality normality or none of the above dear students in questions ke answers may apne next video lecture mein aapko dungi this is the end of our today's lecture we learn about basics of solution and its type on the basis of solubility Concentration and on the basis of states of solutes and solvents. In my next lecture, we will uh, deal with the numericals of molarity, molality, normality, and others. Dear students, if you have any question regarding this lecture, you can ask me. Until then, take care. Allah Hafiz.